नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के बस्ती दानिशमंदा स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। अमृतसर हेरिटेज स्ट्रीट पर एक परिवार से 2 वर्ष का बच्चा बिछड़ा, सिख नौजवान ने बच्चे को परिवार से मिलाया। अमृतसर के नोवेल्टी चौक पर पुलिस ने नाकाबंदी कर लोगों के किए चालान, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के प्रति किया जागरूक। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के बस्ती दानिशमंदा स्थित अंगुराल ट्रेडर्स कंपनी में आग लग गई, जिसके चलते फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों की ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन वे आग पर काबू नहीं पा सके, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मुशक्कत से आग पर काबू पाया। इस आगजनी के कारण फैक्ट्री में पड़ा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस मौके पर फैक्ट्री के मालिक पवन अंगुराल ने बताया कि इस आगजनी के कारण उनका लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है। फिलहाल आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। अंदर शीटा शूटा पी सारिया अमृतसर हेरिटेज स्ट्रीट की बात करें तो यहां रोजाना पर्यटकों का सैलाब आता है। इस दौरान बठिंडा से आए एक परिवार का 2 वर्षीय बच्चा परिवार से बिछुड़ गया और परिवार उसे ढूंढता हुआ तंग परेशान होकर पुलिस के पास जाने ही वाला था कि अचानक भीड़ में किसी सिख नौजवान के हाथ में उन्होंने बच्चे को देखा जो रो रहा था, जिसके बाद उन्होंने उक्त नौजवान से बात की तो उन्होंने कहा कि बच्चा अकेले रो रहा था, अगर बच्चा किसी और के हाथ में चला जाता तो कुछ गलत हो सकता था, इसलिए सब अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो वहीं परिवार ने बच्चा मिलने के बाद अमृतसर निवासियों का धन्यवाद व्यक्त किया और हेरिटेज पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड का भी धन्यवाद किया, जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बाबा आधे घंटे भी होया मुश्किल नाल, ये महाराज रणजीत सिंह का चौक आ, इतें ही घूमता आ, तो मैं देखा पता नहीं कि बच्चा कला घूमद पै, तो फिर मैं चुक लिया, जेडे सिक्योरिटी गार्ड खड़े फिर उन्होंने को गया, मैं भाई पता नहीं कि बच्चा गवाच गया जे, फिर उन्होंने फोटो पाई है ग्रुप से, फिर तुम लोग आए, फिर बच्चा मिल गया नहीं माँ को। भले यही करा कि बच्चे तो अपने खास ध्यान रख, अपने समान का खास ध्यान रख, बच्चे भाई इतने गवाच जाते फिर चुके लै जाते, फिर पिछले माँ पे रोंद आ कि बच्चे साढ़े कितने गए। 15 मिनट पहले ही पूरे पंजाब में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते अमृतसर में पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी की गई। अमृतसर के नोवेल्टी चौक पर नाकाबंदी कर जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं थी उनके चालान काटे गए। इस मौके पर पुलिस अधिकारी ADCP वरिंदर सिंह खोसा ने कहा कि पंजाब सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख 30 जून तय की थी, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते पुलिस अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगाने वाले वाहनों के चालान काट रही है। इससे अपराध दर में भी कमी आएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जो पंजाब सरकार दी हदायतों के मुताबिक जिन्हें भी साढ़े वहीकल्स के जो नंबर प्लेट्स ने, सारे लोगों को हदायत दी गई सी कि अपनिया जो नंबर प्लेट्स ने उन्होंने 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स कन्वर्ट करवा लैन। सो जिन्हें लोगों वालों इस चीज़ की पालना नहीं की गई है, जिन्हें लोग इस चीज़ बारे अवेयर नहीं सी, तो नाके से उन्होंने अवेयर भी किया जा रहा वा, तो उन्होंने इस चीज़ बारे दसया भी जा रहा है। सर की जुर्माना की रखा गया? जो साडा मोटर वहीकल एक्ट है जी, जो विदाउट पैटर्न की नंबर प्लेट्स जिन्हें भी लोग यूज़ करते हैं उन्होंने जुर्माना 3000 रुपये है जी। सर
मैं सारे लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स है ये तुहाडे अपने फायदे वास्ते है, क्योंकि जो भी कोई साडे एरिया दे विच कोई क्राइम हुंदा वा, कोई वहीकल किसी जगह तो लंघदा वा, तो जिन्ने साडे भावें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधीन कैमराज लगे आ, भावें लोगों के प्राइवेट कैमरे लगे जां पुलिस वालों कैमरे लगाए गए हैं, उन्होंने जो हाई सिक्योरिटी प्लेट्स ने उन्होंने रीड करना बहुत सौखा वा। सो किसी भी तरह का कोई क्राइम हुंदा जां वहीकल कोई अणपछाता लंघदा वा तो उस नंबर नूं पढ़ना कैमरे लिए बहुत ही सौखा वा। इस करके आप सारे लोग इंश्योर करिए 100% अपनी जो भी वहीकल्स की प्लेट्स ने उन्होंने हाई सिक्योरिटी प्लेट्स लगवाइए, ताकि जो बोगस वहीकल्स चोरी के स्नैचिंग वाले वहीकल्स घूम रहे हैं उन्होंने असी पछाणना बहुत सौखा हो जाऊगा। जो क्रिमिनल्स अपने वहीकल्स यूज करते हैं वो नॉर्मल प्लेट का विदाउट प्लेट यूज करते हैं, उन्होंने फड़ना भी सानू बहुत सौखा हो जाऊगा, तो अगर कोई क्राइम करके लोग भजन की कोशिश भी करने उन्होंने सानू फड़ना बहुत सौखा हो जाऊगा। सो इस करके मैं सारे यही सलाह दूंगा कि पंजाब सरकार दी हदायतों की पालना करते हुए सारे जो नॉमीनल जी फीस है यदि अपने आरटी दफ्तर में संपर्क करके सारी अपनी प्लेट्स को हाई सिक्योरिटी प्लेट के कन्वर्ट कर दिए। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के स्वर्गीय पिता भगवान दास अरोड़ा की बरसी पर स्पीकर कुलतार सिंह संधवा के अलावा कई मंत्री और विधायक सुनाम में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा पंजाब के लोगों का पैसा, चाहे वो गोवा में लीज पर दी गई जमीन का हो, चाहे वह अमरूद के बागों के लिए दिया गया पैसा हो, वह बर्बाद ही किया गया। मुख्यमंत्री का काम राज्य के लोगों का पैसा गलत जगह पर इस्तेमाल ना हो उसकी हिफाजत करना होता है, लेकिन पिछले मुख्यमंत्रियों ने ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पूरी तनदेही से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2019 से लेकर 2022 तक मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए पिछली सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक सरकार के खर्च पर वकील किए गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे तजुर्बेकार नेताओं की वजह से ही पंजाब का बेड़ा गर्क हुआ है और पंजाब के सिर पर उन्हीं की वजह से 3 लाख करोड़ का कर्ज है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो आज मेरे पिता स्वर्गीय बाबू भगवान दास जी अरोड़ा की 23वीं बरसी सीगी, ते उस दे संबंध विच असी हर साल की तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का भोग है जिहड़े वह पाए गए ने। डेंटल मेडिकल कैंप हुंदा जिथे हज़ारां लोग ने जिहड़े इलाके दे वह लाह लैके जांदे ने। अज जिहड़ा पेशेंट साडे कोल रजिस्टर हो गया उहदा ट्रीटमेंट है जिहड़ा वह फ्री होएगा। सो ये लंबे समय तो चल रहा है, तो अज उस उपलक्ष्य दे विच हल्के तो इलाके तो बहुत संगत पहुंची है। उचेचे तौर पर साडे पंजाब विधानसभा के मानयोग स्पीकर करतार सिंह जी संधवा साहब, मेरे बहुत ही सत्कारयोग वड्डे वीर कैबिनेट वजीर चेतन सिंह जोड़े माजरा जी, साहब गुरमीत सिंह जी खुडियां साहब, साडे MLA साहबान लाभ सिंह जी, जमीलू रहमान जी, साडे मनजीत बिलासपुर जी, कुलवंत पंडोरी जी, गज्जन माजरा साहब, साडे बहुत सारे चेयरमैन साहब, साडे पार्टी के अहदेदार सारे बुधराम जी वह हो गए ने। सो ये सारी संगत अज मैं आशीर्वाद देने लिए साडे सारे साथी पहुँचे ने। गुरु साहब की अपार कृपा है। गुरु साहब के हुक्म अनुसार साडे माणयोग मंत्री जी श्रीमान अमर अरोड़ा जी अपने पिता जी नू हर साल याद करते हैं, उन्होंने चंगे कामों नू याद करते हैं। उन्हां द्वारा शुरू की गई सेवा नू इन्होंने लगातार जारी रख्या होया। गुरु साहब फरमाते विच दुनिया सेव कमाईए तो दर गह बैसण पाईए। सो ये सेवा दे कार्ज कर रहे हैं, हल्के दे विच बड़े वधिया तरीके नाल विचर रहे हैं, बहुत ही वधिया तरीके दे नाल पंजाब दे विच विचर रहे हैं। अज माननीय मुख्यमंत्री साहब के माता जी बीबा माता हरपाल कौर जी भी इत्थे आए सी, और किवें लोग खुश ने, किस तरह बिजली मतलब लोग कहिंदे वी कमाल करती बिजली भी उही, तारां भी उही, कल्लियां सरकारां ही बदलियां, तो ये ही कहते सानू हुण मोटर बंद करके आनी पैंदी है, पहलां चलदी नहीं सी। बाबू जी होरां दा जो एक आम घर चों आम इंसान वड्डी तरक्की करनी और लोगों का नुमाइंदा बनना और फिर दूसरी बार अकाली दल की हवा दे विच उन्होंने इस सीट तो रिपीट करना, तो उसकी हरमन प्यारता का वड्डा मुकाम है, उसको उसनु कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और नाल ही जिथे उन्होंने इत्थों की बहुत महान नगर है शहीद ऊधम सिंह जी होरां दा, उन्होंने इस सुनाम नगर में एक डेंटल कार्ड के रूप में दुनिया से जोड़ा भी इतों बच्चा सारी दुनिया में जाऊ कि ना कि जो कित पुछया जाऊगा कितों करके आया, वो कहता भी मैं सुनाम तो करके आया, तो शहीद ऊधम सिंह होर ना आना है जिन्हों का एक कॉलेज है लाला जी होर भगवान दास जी होर भी उन्होंने बहुत वड्डी जी देन दी हल्के गल् सदा सदा ले दुनिया
जुग जुग रहेंगे। कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने विदेश में फंसी एक लड़की को छुड़वाकर भारत वापसी करवाई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बताया कि अमृतसर की रहने वाली लड़की ज्योति ट्रैवल एजेंटों के धोखे से इराक में फंस गई थी, जिसे उन्होंने काफी जद्दोजहद कर भारत वापस लाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आदेश दिया था कि लड़की को जल्द से जल्द विदेश से भारत लाया जाए और जो भी लड़कियां एजेंट के धोखे का शिकार हुई हैं, विदेश से उन्हें वापस लाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जो भी लड़कियां विदेशों में फंसी हुई हैं, वे पंजाब सरकार से संपर्क करें ताकि उन्हें भारत वापस लाया जा सके। इसी के चलते SSP गुरदासपुर और पुलिस प्रशासन की मदद से उक्त लड़की को 10 दिनों के अंदर ही भारत वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के अंदर ही उनकी एक मीटिंग हो रही है, जो ठग ट्रैवल एजेंट है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर ज्योति ने आम आदमी पार्टी और कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल का आभार भी व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। बात कुछ नहीं, इदा ही हाडे मतलब कि मैं तो अमृतसर रहनी हाँ, कलानौर का एजेंट हैगा वा, तो वह मतलब कि दोनों भरा उत्थे रेंदे ने, तो इदा कुड़ियां झांसी च लै लेंदे ने कि उत्थे काम कार बहुत वधिया, पैकिंग का काम आ। बाद विच उन्हां नूं खड़ के तो जिहड़ा एक गामा बनांदे आ, वह उन्हां दा एक सेफ्टी हुंदी आ गामा, क्योंकि उन्हां नूं फड़ नहीं हुंदी। वह महीने के विच गामा बना देंदे, उहदे करके कि कुड़ियां जिहड़ियां फस जांदियां ने, ना तो गांह जोगियां ना पछाण जोगियां ने, ठीक है। फिर वो पिछे वो 2.5 लाख रुपया मंगता कि 2.5 लाख दो तो फिर इंडिया जा सकदियां, नहीं तो नहीं जा सकदियां। फिर मजबूरन काम करना पैंदा, वो किते भी काम भाएं कोठी का होवे भाएं जिहड़ा मर्जी होवे करना पैंदा उत्थे काम सानू, ठीक है। इदां ही मैं भी चलो 10 महीने हो गए, मैनू भी उन्होंने कहा पैकिंग का काम आ, मैं चली गई तो 80,000 रुपया मेरे को लिया। फिर मेरा गामा बनाता उन्होंने 4 महीनों बाद, 5 महीने वेलिया बिठाया, 5 महीने मैं काम पर लाए आ। उस तो बाद कहते हैं कि मतलब 2.5 लाख रुपया देंगी तो तू जाएगी। तो फिर मैं इदा ही चलो छियाटे एक काउंसलर हैगा ही, उन्होंने एक मेरी सहेली ने नंबर दिता, उन्होंने इन्हों सर हूँ मिलाया मैं, उन्हें इन्होंने कॉन्टैक्ट कराया, फिर मैं इन्होंने फोन किया, इन्हें उस वे मेरी हेल्प की आ। तो मैं बहुत दिलों धन्यवाद करती उन्होंने कि चलो नहीं मार्केट आई कुछ नहीं, काम बहुत लिया जाता ही कि एक मतलब सवेरे 6 बजे तो उठी दा ही, राती 12 बजे तक मतलब काम करी दा ही, खाना पानी इदा ही मतलब के जो टाइम लगता ही तो खा ली दा ही, नहीं तो नहीं खाई। पैसे यो इंडिया का कोई 22,000 रुपया 20,000 रुपया बस, इस तो वो पैसा छोटी भैन ज्योति सिंह है जिहड़ी 10 महीने पहला जिहड़े ठग ट्रैवल एजेंट ने उन्हां दे धोखेबाजी का शिकार हो गई, वो इन्हां नूं कम दे करके इराक लै गए। इराक दे विच जाके फिर ना तो इन्हां नूं कम ही मिलिया, इन्हां नूं फिर समझ लो कि एक हिसाब दा उन्हां ने पासपोर्ट पेपर वर्क सारा इन्हां दा खोलिया बेचारियां दा। ये उत्थे बैठे सीगे, इन्हां दी अज तो 10 दिन पहला कॉल आई कि मेरी मदद करो सर, मेरी इतने कोई मदद नहीं करता, मेरे को ना पासपोर्ट है कुछ नहीं है। तो फिर मैं मदद की, तो जरा ट्रैवल एजेंट सीगा वो कलानौर का सीगा, ये साड़ी लड़की अमृतसर दी, कलानौर का ट्रैवल एजेंट सी जिन्हें इनू खड़िया सीगा गुरदासपुर। फिर SSP गुरदासपुर की ड्यूटी ला के, तो DSP की ड्यूटी ला के, DC साहब की ड्यूटी ला के, वो ट्रैवल एजेंट के मापे लभे, कई कुछ किया, क्योंकि मान साहब की सरदार सरदार भगवंत सिंह मान जी मुख्यमंत्री साहब की हिदायत सी कि किस तरह भी करो लड़की नूं वापस मंगाओ, जिहड़ियां साडियां लड़कियां इदां कम दे बहाने ट्रैवल एजेंट जिहड़े ठग जिहड़े जे लै जांदे आ, ते इहनां नूं मतलब जिहड़ा उह छडाउणा साडी ड्यूटी आ। सो फिर पूरा कार्रवाई करके SSP गुरदासपुर की हिम्मत दे नाल इस लड़की का उत्थे ही, क्योंकि ट्रैवल एजेंट भी उत्थे रहिंदा इराक दे विच, उत्थे रहिंदे आ, बहुत वड्डा एक माफिया, उत्थे प्रैशर पा के सारा कुछ करके इनू मतलब जरा टिकट का प्रबंध किया, पासपोर्ट लैके दिता, तो अज बेचारी अपने घर वापस आई है। RBM म्यूजिक अकेडमी की ओर से पहला म्यूजिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन जंडियाला गुरु में किया गया। इस दौरान अकेडमी से शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों और पंजाब के अलग अलग जगहों से आए विद्यार्थियों ने अलग अलग रागों के माध्यम से इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियाँ दी। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उस्ताद अशोक कुमार और इंडियन आइडल 13 के प्रतिभागी रूपम भरनारिया ने अपने सुरों के माध्यम से इस संगीत में शाम को और भी रंगीन बना दिया।
इस मौके पर सभी ने उस्ताद रविकांत को याद कर उन्हें श्रद्धा के फूल भेंट किए। इस मौके पर हजूरी रागी भाई रंजीत सिंह और भाई सुखजीत सिंह बाबा बकाला ने भी विशेष तौर पर अपनी हाजिरी लगाई, जबकि आम आदमी पार्टी के शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर एकेडमी के संचालक उस्ताद दीपक पाल और समाज सेवक केवल सिंह ने आए हुए सभी मेहमानों को यादगारी चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। बहुत ही आनंदमय मैनू दसा गया सी, छोटा जा प्रोग्राम है ते पर जो मैं इतने शिरकत की तो बहुत ही आत्मिक आनंद की अनुभूति मैनू हुई। तो पता ही नहीं लगा कि समय का बिल्कुल पता ही नहीं लगा। बच्चे इन्नी डेडिकेशन ना उन्होंने सिखलाई दी गई। दीपक पाल सिंह जी का बहुत बहुत मैं शुकराना करना कि वो इस डेडिकेशन के नाल बच्चों सिखा रहे हैं तो संगीत की सेवा कर रहे हैं। तो परमात्मा उन्होंने इदा ही बल बख्शते रहन कि इस तरह ही संगीत की सेवा करते रहन। मैं उन्होंने हमेशा ही दुआगो हाँ कि इस टाइम महाराज उन्होंने बुलंदियाँ बख्शिश करते रहन। सारे नु सत श्री अकाल जी। अज दा प्रोग्राम आरबीएम म्यूजिक अकैडमी जंडियाला गुरु विखे जो साडे उस्ताद जी उस्ताद रविकांत वर्मा जी की याद दे विच करवाया गया। ये आरबीएम म्यूजिक अकैडमी वालों पहला प्रोग्राम सी जिदे विच इत्थे सिख रहे बच्चों ने परफॉर्म किया, क्लासीकल राग गाए ने, ताना आलाप। तो इस प्रोग्राम की शान वधाउण वास्ते साडे बहुत ही सत्कारयोग उस्ताद अशोक कुमार जी जो तबले दे महान उस्ताद ने जिन्होंने बड़िया लगभग 30-40 साल तो तबले की सेवा कर रहे हैं। वो इतने पहुँचे ने उन्होंने नाल साडे दीदी रूपम बरनारिया जी जो बॉम्बे तो आप जी जानते हो सैलीब्रिटी ने वो पहुँचे ने इस प्रोग्राम का माण वधाया। उन्होंने भी इतने गा के इस अकैडमी का जंडियाला गुरु का माण वधाया जी। अमृतसर जिला अधीश कार्यालय में पूर्व सैनिक संघर्ष कमेटी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठकर रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे देश भर में पूर्व सैनिकों की ओर से केंद्र की गूंगी तथा बहरी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करते रहे हैं और अब उन्हें अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ मांगे हैं जिस संबंधी भारत के गृह मंत्री अमित शाह को मांग पत्र भी दिया गया था जब वे गुरदासपुर रैली में आए थे, लेकिन फिर भी उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा आंदोलन करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमृतसर के उदासीन आश्रम अखाड़ा संगलवाला के गद्दी नशीन महंत दिव्यांबर मुनि जी की अगुवाई में गुरु पूर्णिमा दिवस बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए महंत दिव्यांबर मुनि जी महाराज ने कहा कि सबसे पहले प्राचीन संगला को गंगा जल से स्नान करवाया गया, जिसके बाद विश्व शांति के लिए अरदास की गई। उन्होंने कहा कि उदासीन आश्रम अखाड़ा के महंत निर्वाण प्रीतमदास ऐतिहासिक संगलों को कमर पर बांधते थे, इसलिए इसका नाम अखाड़ा संगला वाला पड़ा। उन्होंने बताया कि इस पुरातन संगल को हर वर्ष गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही प्रकाश किया जाता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गुरुदाता गुरु ब्रह्म है, गुरु बिन और नठौर, श्री चंद्र या संसार में भटकत है जिमी भौर। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उदासीन आश्रम अखाड़ा संगलवाला में बहुत ही धूमधाम के साथ अपने गुरुजनों की, पूज्य महापुरुषों की, संतों की समाधियों का विधोत पूजन किया गया। आचार्य भगवान श्री चंद जी महाराज का आरती पूजन वंदन करते हुए, निर्वाण प्रीतम दास जी महाराज का विधोत पूजन अरदास करते हुए और आज गुरु पूर्णिमा का पावन महोत्सव बड़े धूमधाम से अखाड़ा संगलवाला में मनाया गया। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा से उसको सब कुछ प्राप्त होता है। बिना
गुरु की कृपा से जीवन में अंधकार होता है और यदि जीवन में कृपा हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में उजाला हो जाता, प्रकाश आ जाता है। उदासीन आश्रम अखाड़ा निर्वांसर लक्कड़ मंडी अमृतसर में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार गद्दी नशीन महंत सुख देवानंद जी की अगुवाई में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर सुंदर कांड का पाठ करवाया गया। भगवान श्री चंद जी का श्रृंगार कर पूजा अर्चना और आरती की गई, जिसके पश्चात भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति जालंधर की ओर से गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर वात्सल्य योग ग्राम नजदीक एपीजे स्कूल टांडा रोड जालंधर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें विधि पूर्वक वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सर्वेश्वर चड्डा द्वारा हवन यज्ञ संपन्न करवाया गया। इस दौरान राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान राजेंद्र श्रृंगारी ने बताया कि स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन में सभी संगठन योग आयुर्वेद एवं स्वदेशी के विस्तार हेतु निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला प्रभारी सुधीर सक्सेना, जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति अजय मल्होत्रा, जिला प्रभारी अमरजीत सिंह बिट्टू, महामंत्री भारत स्वाभिमान सतविंदर सिंह कुंदी, गुलशन सुनेजा, दास महेश, रमेश चुग, ललित शर्मा, राकेश और धर्मेंद्र भी उपस्थित रहे। गो सेवा मिशन के राष्ट्रीय प्रधान स्वामी कृष्णानंद महाराज व उनके साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने विशेष रूप से शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर और श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन का दौरा कर आशीर्वाद लिया। श्री देवी तालाब मंदिर पहुंचने पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, ज्वाइंट सचिव प्रदीप कुमार व सेवादार पवन मेहता और शिव सहगल ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद महाराज ने मंदिर के पावन दरबार में जाकर माँ वैष्णो, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के मंदिर में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए बधाई भी दी। इसी तरह स्वामी कृष्णानंद महाराज और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद सुरेश चंदेल श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन पहुंचे, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत प्रधान विजय खुल्लर, सेक्रेटरी संदीप शुक्ला, वाइस प्रेसिडेंट मनोहर लाल चोडा, ज्वाइंट सचिव प्रदीप कुमार, एग्जीक्यूटिव मेंबर लखबीर सिंह लाली घुम्मन, श्री गीता मंदिर चैरिटेबल डिस्पेंसरी की मेंबर मोना जलोटा, बांकेलाल पुरी, अजय लाली की तरफ से भव्य स्वागत किया गया। स्वामी कृष्णानंद महाराज ने श्री गीता मंदिर के पिछले दिनों हुए चुनावों में प्रधान बने विजय खुल्लर व उनकी पूरी टीम को बधाई दी। इस मौके पर बलभद्र कपूर, पंडित सोमनाथ पाठक, पंडित ओम प्रकाश, पंडित दुर्गा प्रसाद, पंडित रामकिशोर, पंडित रमेश कुमार चंद्र, पंडित सत्यप्रकाश, पंडित राधेश्याम सहित गणमान्य लोग शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जालंधर के सिद्ध मनोकामना हनुमान मंदिर मंडी फेंटनगंज में महंत बंसीदास महाराज की अध्यक्षता में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसमें महंत बंसीदास ने अपने गुरुदेव के चरणों में पूजन किया, जिसके बाद सत्संग के माध्यम से उन्होंने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया एवं गुरु पूर्णिमा की बधाई दी। इस अवसर पर असंख्य भक्तों ने शामिल होकर गुरु पूजा कर विश्व मंगल की कामना की। जालंधर से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Thank you.
वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में उषा माता धाम मोहल्ला गोविंदगढ़ जालंधर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने गुरु के प्रति अपने सम्मान श्रद्धा और भाव प्रकट करते हुए नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों ने विधिवत ढंग से पूजा अर्चना कर अपने पारिवारिक सुख की मंगल कामना की। इस अवसर पर मंदिर के सेवादारों ने गुरु भक्तों को सम्मानित किया और सभी को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुभकामनाएं दी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। प्रेम की गंगा बहालो इसके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा दो अपने पलकों को, 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 मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव आए हैं। बोल साचे दरबार की जय। सारे जालंधर वासियों को आज गुरु पूजा ब्यास पूजा की बहुत बहुत बधाई। और हमारे श्री गुरु महाराज जी के आगरे वाले माई जी उषा माता जी महाराज जी और धाम वाली माई जी की कृपा से आज उषा माता मंदिर जालंधर में बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से गुरु महाराज जी के चरण पूजन और ब्यास पूजा गद्दी पूजन सब कुछ हुआ और संगत ने बस हर्षोल्लास से ये उनका दिवस मनाया है। आज बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है और हम भी इस पर्व को अपने गुरु के प्रति स्नेह लेकर प्यार से और अपने धर्म के सनातन धर्म के साथ अपने गुरु के चरणों में बैठकर उनके चरण की पूजन करते हैं। और हमारे सह परिवार श्री राम शर्मा जी, ऋतु शर्मा जी मुख्य संयोजक और जो सब सेवादार सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस सारा संगत का साथ मिल के ये सब पर्व को मना रहे हैं। और सुबह 8 बजे चरण पूजन हुआ और 9 बजे से लेकर 2 बजे तक महारानी का सत्संग और प्रवचन हुए और उसके बाद अब 2 बजे भंडारा होगा और महारानी की आरती हुई है। इससे सब प्रेमियों को हम एक ही सूचना देना चाहते हैं कि हमेशा अपने गुरुओं के प्रति प्यार स्नेह रखें और उनके साथ जुड़े रहें। गुरुए नमः, जुगाल गुरुए नमः, श्री सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। आप सब जी आया ग्रंथ राम जी के मंदिर के अज भी गुरुआं संबंध के सब संगत हुई है। सारिया गुरुआं जी के प्रकाश दियाँ गुरु जी के जन्मदिन दिया गुरु जी दियाँ गुरुआ बहुत बहुत मुबारक बधाई जी आया। गुरु महाराज जी सारे घर सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़ती कला रोशन गुरु महाराज कृपा कर जी आया धन्यवाद। सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम दिलबाग नगर बस्ती गुचा जालंधर में गुरु पूर्णिमा उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भक्तों ने महामंडलेश्वर 1008 महंत गंगादास महाराज, महामंडलेश्वर 1008 महंत केशवदास महाराज को तिलक लगाकर एवं उनकी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सांसद सुशील कुमार रिंकू ने विशेष तौर पर पहुंचकर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान आई हुई भजन मंडलियों ने संकीर्तन कर माहौल को भक्ति में रूप प्रदान किया। इस अवसर पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आज बहुत ही खुशी का दिन है। सतगुरु बाबा लाल दयाल आश्रम में श्री महाराज जी की अध्यक्षता में बहुत ही धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा का दिन जो है सभी शोकों को आज के दिन अपने गुरु का पूजा करने का विशेष दिन है, तो आप सभी शोकों को आज सभी जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो और आप सबके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, सदा सुखी रहे, प्रसन्न रहे और जीवन में आप सबकी ऐसे ही मनोकामना पूर्ण होती रहे।
प्राचीन शिव मंदिर चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम बाग बहरिया कपूरथला रोड जालंधर में ब्रह्मलीन 1008 श्री स्वामी निरंजनानंद गिरी जी के वर्तमान गद्दीनशीन परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इससे पहले रखे गए श्री रामचरितमानस पाठ के भोग डाले गए, जिसके बाद ब्रह्मलीन 1008 श्री स्वामी निरंजनानंद गिरी जी की प्राचीन शिव मंदिर श्री चंद्रेश्वर विद्यापीठ संन्यास आश्रम में बनी समाधि के समक्ष बनाई गई प्रतिमा के समक्ष महंत देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज व उपस्थित भक्तों ने पूजा अर्चना कर आरती उतारी, जिसके पश्चात भक्तों ने महंत देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज की पूजा अर्चना कर तिलक लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान महंत देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज ने उपस्थित भक्तों को सत्संग के माध्यम से आशीर्वाद देते हुए गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। ये केवल गुरु से हम कुछ चाहते हैं उसके लिए नहीं, गुरु से हम अपने जीवन का अहंकार अविद्या मिटाना चाहते हैं उसके लिए गुरु। यदि गुरु आपके अंदर प्रकाश करने की क्षमता तो रखता है, उस क्षमता को ग्रहण करने के लिए अपने में भी तो उतनी शक्ति होनी चाहिए। नहीं, नाम लिया दीक्षा ली गुरु बना लिए लाखों शिष्य, लेकिन वो कल्याण करने वाला काम नहीं। गुरु की जो विद्या है वो विद्या ही कल्याणकारी होनी चाहिए। जिसको ब्रह्म विद्या कहा है, आत्म विद्या कहा है, उसका आज इस युग में जो वर्तमान चल रहा है उसकी अति आवश्यकता है इस अध्यात्म विद्या। लेकिन हम जा किधर रहे, खाओ पियो और मौज मस्ती की ओर बढ़ रहे, वो जीवन का कोई टारगेट नहीं है आपका, आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने वाली नहीं है। ये जीवन अमूल्य है, हीरे जैसा जीवन है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर जालंधर की ओर से सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के प्रांगण में अलग अलग प्रयोगों और योगिक क्रियाओं को दर्शाती प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान राजयोग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायकों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल, लेखक रमेश शौंकी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल और विनोद शर्मा ने भजन पार्टियों को मंदिर का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन मंडलियों ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, चंद्र मोहन ढींगरा, दिनेश कुमार, अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, अजय राजन, चीनू सहगल, रमन ढल्ला, मनमोहन चड्डा, नरेंद्र शर्मा, वरिंदर शांत, लकी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रहे। इसी तरह मंदिर के बाहर भक्तों की सेवा हेतु ठंडे मीठे जल की छबील भी लगाई गई। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी रेलवे फाटक अड्डा होशियारपुर की तरफ से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जरूरतमंद गरीब लड़कियों के 13वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन 9 सितंबर दिन शनिवार को प्रातः 11 बजे किया जा रहा है।
इस संबंध में सोसाइटी के सदस्य जालंधर स्थित दैनिक सवेरा कार्यालय सवेरा भवन में पहुंचे। इस अवसर पर सोसाइटी के प्रधान राजेंद्र पाल वर्मा, मुख्य सचिव मक्खन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट सुनील मदान, खजांची सतीश मल्होत्रा, वाइस चेयरमैन जीवन कुमार हैप्पी की और से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज से मुलाकात की गई और उन्हें इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने हेतु निमंत्रण पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि आने वाली 9 सितंबर दिन शनिवार प्रातः 11 बजे 11 जोड़ों की शादियां करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले भी सोसाइटी 112 से ज्यादा लड़कियों की शादी करवा चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी नव विवाहित जोड़ों को घरेलू जरूरत संबंधी सारा सामान दिया जाएगा और विवाह की सारी रस्में विधिवत ढंग से अदा की जाएंगी। इसके अलावा बारातियों के लिए लाजवाब व्यंजनों का भी आयोजन किया गया। उन्होंने शहरवासियों और इलाके के सभी लोगों से इस समारोह में भाग लेकर जोड़ों को आशीर्वाद देने की अपील की। इस मौके पर एडवाइजर एसके कपूर, वरिंदर कपूर, कुलदीप भाटिया, बलदेव गुलाटी, विवेक मल्होत्रा, जितेंद्र मलिक भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। आज गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी चौक अड्डा शहरपुर नजदीक रेलवे फाटक जालंधर विखे जो हर साल जरूरतमंद लड़कियां दे ब्याह करवाए जाते हैं उस संबंध में अज मीटिंग रखी है और सारे मैंबर असी इत्थे इकट्ठे होए हैं। ये अब जो सलाह मशवरा जिमें असी प्रोग्राम अगों अच्छे ढंग नाल बनाउणा है चलाउणा है उहदे बारे विचारां कीतियां गईआं और साडा जिहड़ा प्रोग्राम है हर साल चलदा है इस बारे 13वां प्रोग्राम है और 6 सितंबर नूं मेहंदी दी रस्म होएगी और 7 सितंबर नूं जागो का होएगा। बड़े अच्छे ढंग जागो भी कड़ी जाएगी और 8 तरीक का गुग्गा पीर का मेला होगा राम गुग्गा नौमी का और 10 तरीक न 9 तरीक न यह सारिया शादियाँ जिमें असं अगे कराने और जिमें साडे मैंबर इलाका निवासी सारे सानू सहयोग देंदे हन उन्होंने सहयोग नाल ये सारा अगे नालों अच्छे ढंग नाल होर असी करन दी कोशिश करांगे। साल दी तरह इस साल भी जरूरतमंद लड़कियां दे विआह कराए जाणगे उहदे विच हर एक भैन भरावां दे सहयोग नाल असी करी दे जे असी कहीए असी कल्ले करदे आ असी कल्ले नहीं करदे ए सारे भैन भरावां दे सहयोग नाल हुंदा है। उहदे विच असी 9 तरीक दे विआह रखे दे 6 दी जागो है 7 दी 6 दी मिद्दी दी रसम है 7 दी जागो है 8 ਦਾ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਮ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਇਹ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ 10 ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ 15 ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਬੁਕਿੰਗ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਬਈ ਕੁੜੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਾਟਕ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਵਰਸ਼ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਡਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਿੱਕੇ ਓਮਨ ਸ਼ਾਹ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਦੀ ਰਸਮ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਰਮ ਫਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ 9 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਔਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਫੈਲ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਣ
ओम नमः शिवाय गारमेंट से आके संपर्क है उत्थे जो भी अपनी राशि देन उसकी रसीद जरूर लैन जी। सोसायटी रजिस्टर अड्डा हुशियारपुर चौंक हलो कि और से आज एक मीटिंग रखी गई है जो कि गरीब लड़कियों ज़रूरतमंद लड़कियों की शादी के उपलक्ष्य में था प्रोग्राम, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जो कि हमने प्रोग्राम रखा है 9 सितंबर को लड़कियों की शादी रखी गई है, जिसमें हम जो लड़कियां होती हैं उनको ज़रूरतमंद जो भी घर का घरेलू सामान होता है हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और ताकि वो अपना जीवन सुखी व्यतीत कर सकें। हमारी जो सोसाइटी है लगातार 13 साल हो गए हैं ऐसे प्रोग्राम कर रही है, 13वां इस बार का है, और हम सभी लड़कियों को ज़रूरतमंद सामान देते हैं। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी अड्डा हुशियारपुर जलंधर वालों 13वां विवाहिक सामूहिक विवाह समारोह जो मनाया जा रहा है, सारे इलाका निवासियों को बेनती है कि तुम कृपा करके हम आके पुजो तो इस पुन के काम में अपना हिस्सा पा के पुन के भागीदारी बनो। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी वालों इस साल समूहिक विवाह कराए जा रहे हैं, जिन्होंने 12 लड़कियों का विवाह करवाए जा रहे हैं, जिन्हें 112 लड़कियों का विवाह पहले किए गए हैं। 8 तरीक नूं गुग्गा बनौमी का मेला होएगा, 9 तरीक नूं गुग्गा पीर का मेले तो बाद विवाह रखे गए हैं जिहड़े असीं सारयां ने रल के करवाने ने। गुग्गा पीर वेलफेयर सोसाइटी अड्डा हुशियारपुर फाटक जलंधर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है, जिस दे विच जरूरतमंद लड़के लड़कियों के विवाह किए जाते हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है, जिस दे विच 6 सितंबर नूं मेहंदी की रसम, 7 सितंबर नूं जागो, 8 सितंबर नूं गुग्गा पीर जी के मेले के उपरांत 9 सितंबर नूं समूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। आप सब सादर आमंत्रित हो, तो नाल ही जे किसी ने संपर्क करना हो तो ओम नमः शिवाय गारमेंट्स के उत्ते जाकर संपर्क कर सकते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर के बस्ती दानिशमंदा स्थित एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपयों का हुआ नुकसान। अमृतसर हेरिटेज स्ट्रीट पर एक परिवार से 2 वर्ष का बच्चा बिछड़ा, सिख नौजवान ने बच्चे को परिवार से मिलाया। अमृतसर के नोवेल्टी चौक पर पुलिस ने नाकाबंदी कर लोगों के किए चालान, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के प्रति किया जागरूक। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं, और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।